कि अभी फ्लिपकार्ट पे जो है बिग बिलियन डे चल रहा है और अमेजन पे द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है। इसका मतलब आपको बहुत सारा चीज मिलेगा बहुत ही सस्ते रेट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर घर का सामान तक आपको हर जरूरत चीज मिलेगा बहुत ही चीप रेट पे। तो फ्रेंड्स जरूर विजिट कीजिए और मन मुताबिक आप यहां से खरीद सकते हैं, जो कि अप टू 50% 60% जो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे भी आपको ऑफर मिल रहा है। तो जाइए इसका लाभ उठाइए, अगर आपके पास कोई भी कूपन कार्ड हो तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको तो पता है कि मैं दास टेक्नोलॉजी पे जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है वीडियो बनाता रहता हूँ, ये कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही होगा आप उससे भी सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। मैंने भी जो है फ्लिपकार्ट से जो बिग बिलियन डे से कुछ सामान लिया था और मैं आपके सामने उसको जो है आज अनबॉक्स करूंगा और आपको डिटेल में बताऊंगा उसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और आपको कैसे ये जो है यूजेबल होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको जस्ट एक नोट बताना चाहता हूँ कि जो लोग एडिटिंग दुनिया में रहते हैं या फिर गेमिंग दुनिया में रहते हैं या फिर आप ये बोल सकते हैं कोई भी आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी एडिटिंग वगैरह फोटोशॉप वगैरह यूज करते हो सॉफ्टवेयर, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में जो है मैं आपको एक मॉनिटर दिखाने वाला हूँ जो कि है जेवरोनिक्स कंपनी का मॉनिटर है। ये है जेवरोनिक्स 32 इंचेस का जो है मॉनिटर रहेगा, बहुत ही बड़ा मॉनिटर है तो आपको बहुत ही इजी रहेगा इसमें जो है पिक्चर्स करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, आपका प्रोफेशनल लाइफ में काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है आपको दो पार्ट में मिलेगा। आज का जो वीडियो है मैं बस फर्स्ट पार्ट में आपको मॉनिटर ओपन करके दिखाऊंगा, कल जो है मैं एक लैपटॉप लाने वाला हूँ उसको कनेक्ट करके मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो का लिंक में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो अभी इसको ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि स्टिल यू हैव चांस टू गेट द मॉनिटर। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जेवरोनिक्स का जो है 32 इंच का जो है मॉनिटर। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रखा है ये जो पॉलिथीन आप देख रहे हैं ना ये मैंने खुद लगाया, कल बारिश हो रहा था तो ऑफिस में एड्रेस पे जो ऑफिस एड्रेस पे डिलीवरी हुआ था वहां से लेके आए, बारिश बहुत जोर से हो रहा था इसलिए हमने जो है एक्स्ट्रा पैकिंग करवा दिया। ये एक माउस मैंने मंगाया है और एक कीबोर्ड है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो है इसको बैक साइड में रखते हैं और मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है चलिए इसको ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इसका जो है अभी जो इसका पैकेट सामने आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ऋतिक रोशन का एक फोटो दिया गया है और यहाँ पे उसका साइन भी दिया गया है और यहाँ पे ब्रांडिंग हुआ है जो है जेवरोनिक्स, ठीक है और पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, ठीक है चलिए फिलहाल इसको ओपन करते हैं और इसका अंदर कैसा है मॉनिटर वो देखते हैं। आपको एक पहले से बता दूं ये कर्व मॉनिटर है, ठीक है और ये 32 इंच का कर्व मॉनिटर है तो देखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। चलिए इसको ओपन करते हैं साइड से। ये कुछ वॉलमाउंट इसका आया है जो कि बैक साइड पे था और इस पे आता है जो है वीजीए केबल एंड जो है आपका मिलेगा एचडीएमआई केबल और आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ से मतलब पूरा इसका अंदर ही जो है मॉनिटर है चारों तरफ से जो है थर्मोकोल से पैकिंग किया गया है। ये एक बहुत ही जो है शानदार तरीका है इसको पैकिंग करने के लिए और सेफ्टी के लिए, ठीक है चलिए आप इसको ओपन करते हैं। फिलहाल जो है इसका जो माउंट और जो है वीजीए केबल वगैरह मैं साइड में रख लेता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा हमको स्पेस मिल जाए। तो फ्रेंड्स इसको ओपन अभी करते हैं, ये देखिए सॉरी फ्रेंड्स इसका जो जेवरोनिक्स का जो वारंटी कार्ड एंड बुक यूजर मैनुअल इसका अंदर ही था, मैंने देखा नहीं था उसको नोटिस नहीं किया था। तो ये तो यूजर मैनुअल है कैसे इसको यूज करेंगे, बाकी इसका डिटेल्स इसमें जो है दिया गया है, ठीक है बारी इसको ओपन करने के लिए। माय गॉड तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो है जेवरोनिक्स का जो है मैं बोल रहा था अभी मॉनिटर कर्व मॉनिटर, ठीक है अभी इसको ओपन करते हैं। ये थोड़ा नहीं बहुत हैवी लग रहा है मुझे, यहां पे आप देख सकते हैं इसका जो लुक
मैं थोड़ा जो है इसको पास में लाके आपको दिखाता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैवरोनिक का जो है लोगो है, यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा है प्योर पिक्सेल। तो फ्रेंड्स ये फुल एचडी का जो है मॉनिटर है, तो आप देख सकते हैं पूरा जो मेरा जो टेबल था ना वो पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। और इसका अगर बैक साइड के बारे में, ये तो था फ्रंट साइड का लुक और ये कर्व है, अगर इसका बैक साइड के बारे में बात करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए इसका बैक साइड में जो पैनल है ये पूरा जो है व्हाइट कलर है, जो फ्रंट साइड में था वो ब्लैक कलर में था और ये जो बैक साइड में ये पूरा व्हाइट कलर है। यहाँ पे देखिए जो है ब्लू ग्रीन एंड रेड कलर का जो है मार्क किया गया है, और यहाँ पे जो है आप खुद देख सकते हैं ये जो वॉल माउंट के लिए दिया गया है, मतलब इसको जो है आप वॉल पे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं, मतलब वॉल माउंट दिया गया है यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे जो है टू रेड सिंबल दिया गया है, बाकी यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह है। अभी आते हैं इसका जो डिटेल के बारे में, जिस बारे में बात कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे लेफ्ट साइड में HDMI दिया गया है, फिर मिडिल में VGA केबल का दिया गया है, साइड में दिया गया है ऑडियो इन का, और यहाँ पे DC का जो कनेक्शन दिया गया है। और यहाँ पे देखिए दो स्पीकर दिया गया है, बहुत सारे मॉनिटर पे आपको स्पीकर नहीं मिलता है, बट इसमें क्या है कि स्पीकर मिलता है, ठीक है। और थोड़ा ऊपर जाते ही आपको जो है 4 स्क्रू देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं 4 स्क्रू देखने के लिए मिलेगा, तो उसको जो है वॉल माउंट आप इजीली कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है। तमलिन पे तो आपने देखा ही होगा कि ये जो है दो इसको जो है माउंट जो दिया गया है, स्टैंड इसको बोल सकते हो आप, इसको जो इजीली आप इसको जो है फिट कर सकते हो इसका पीछे जो बैक साइड पे, ताकि ये इजीली होल्ड हो सके। तो फ्रेंड्स अभी जो इसको फिट करेंगे ना, तो इसको हमने जो है स्क्रू ड्राइवर ले लिया है स्टार वाला, इसको ओपन कर, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्क्रू दिया गया है, इसको ओपन करते हैं सबसे पहले। चलिए ये 4 स्क्रू हो गया, अब इसको क्या करेंगे स्लोली इसको जो है फिट करेंगे। ये देख सकते हैं ये ऐसे फिट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा जो है लग चुका है। अब इसको क्या करेंगे, ये लगने के बाद इस जो बैक साइड से इसको डाउन साइड से इसको जो है स्क्रू कर देंगे। अब ये स्क्रू होने के बाद ये जो रबर, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिटिंग होने के बाद ऐसे ही दिखता है वो स्टैंड, इसको भी बिठा के देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा उसका जो है पावर केबल, इसको जो है मैंने कनेक्ट कर दिया है, अभी आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे जो है VGA केबल कनेक्ट कर दिया हमारे लैपटॉप से, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमने VGA केबल कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये VGA केबल लैपटॉप से कनेक्ट हो गया है, और ये जो है पावर बटन पावर केबल है, ठीक है। पावर केबल यहाँ पे जो है हमने कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे इसका जो बैक साइड में जो है पावर बटन दिया गया है स्क्रीन का, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको ये देखिए ब्लिंक हो गया लाइट, ये पूरा अभी हमारा जो है स्क्रीन ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप खुद ही देख सकते हैं जैसे कि लैपटॉप में जो लैपटॉप का स्क्रीन यहाँ पे जो है आ चुका है, पूरा डिटेलिंग में आपको दिखेगा। कहते हैं कि कीबोर्ड इंस्टॉल करेंगे और माउस पूरा इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, ये फ्रेंड्स माउस है, इसके बारे में बात करेंगे। इंटेक्स का माउस है, 99 रुपीज में मुझे मिला है जो बिग बिलियन डे पे, तो मैंने इसको ले लिया है। अब देखते हैं जो माउस का क्वालिटी कैसा है, ये वेयर वाला माउस है, वेयरलेस नहीं है माउस, काफी नॉर्मल सा माउस है, फिर भी चलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि 99 रुपीज में आप एक्सपेक्ट ज्यादा नहीं कर सकते क्वालिटी के मामले में। चलिए अभी इसको कनेक्ट करते हैं, ये देखिए अब ये कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए माउस पॉइंटर देख सकते हैं,
ठीक है। अब ये माउस का जो है, ये हो गया माउस। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कीबोर्ड जो है लंबी हो सकता है, बट आपको इन्फॉर्मेशन पूरा जो है मिलेगा, इसलिए थोड़ा जो है आपको पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये है सेम जेब्रोनिक्स कंपनी का जो है कीबोर्ड है, ठीक है। और इसका फीचर्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, और इसको भी आप ले सकते हैं। इसका प्राइस मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा डिटेल्स, आप देख के वहां पे ले सकते हैं फिलहाल। तो फ्रेंड्स ये रहा कीबोर्ड। इसका स्विच का डिजाइन देखिए, पूरा राउंड शेप है, ठीक है, पूरा राउंड शेप है और थोड़ा सा छोटा है, तो स्मॉल है तो आपको अच्छा रहेगा। इसका अगर बैक साइड के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे माउंट दिया गया है, तो माउंट को ओपन करने के बाद इसको अभी ऐसे रखते हैं और इसको भी हम कनेक्ट करके देखते हैं कैसे ये चलता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल हमारे पास जो है सीपीयू नहीं है, तो इसलिए हम सब कुछ जो है लैपटॉप से भी कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। आप चाहे तो सीपीयू लेके सीपीयू से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइट आ चुका है यहाँ पे, नंबर जो लग का है लाइट आ चुका है, तो ऐसे काम कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन पे ये मैं डाउन अप करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये काम अभी कर रहा है, माउस भी काम कर रहा है और कीबोर्ड भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा सेटअप, और आप देख सकते हैं मैंने पूरा सेटअप करके दिखाया आपको जो है। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम आपने हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबसे पहले मिलता रहे, और ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और फिर मिलते हैं और ऐसे ही दमदार मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ट्रैकिंग, कीप स्माइलिंग। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड पार्ट आएगा जब हम लैपटॉप ऑर्डर किए हैं, और लैपटॉप आने वाला है। लैपटॉप आने के बाद हम वो न्यू लैपटॉप के साथ आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि कैसे चलता है, क्या करता है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आएगा। अभी फिलहाल बस ये वीडियो में इतना ही था, चलिए बाय। तो फ्रेंड्स अभी आते हैं इसका जो डिटेल्स के बारे में, इसका पूरा फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी बात करते हैं। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये फ्रेंड्स जो है 80 सेंटीमीटर का स्क्रीन है, मतलब 32 इंचेस का स्क्रीन है, और ये फुल वाइड एंड कर्व है। और इसके साथ आपको जैसे कि मैं बोल रहा था कि HDMI एंड VGA का सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स। और ये जो है फुल HD का स्क्रीन है, इसका जो 1920x1080 का स्क्रीन है ये, ठीक है। और इसके जो ये मॉनिटर है, इसमें इनबिल्ट स्पीकर आता है, तो आपको स्पीकर सेपरेट खरीदने का जरूरत नहीं है। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेपरेट स्पीकर ले लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो स्टैंड है इसका, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाया, ये जो मेटल स्टैंड है, ठीक है, ये प्लास्टिक का स्टैंड नहीं है, ये पूरा मेटल स्टैंड है। और इसके साथ जैसे कि मैं बता रहा था कि वॉल माउंट का फैसिलिटी दिया गया है, तो आप एक स्टैंड वॉल माउंट करके आप इसको भी यूज कर सकते हैं एज ए टीवी, ठीक है। और इसके बारे में बात करेंगे, ये जो इसका स्क्रीन साइज है, ये होता है 80 सेंटीमीटर, जैसे कि मैं बोल रहा था 32 इंचेस, मतलब नेटिव रिजोल्यूशन जो है इसका जो है 1920x1080 है। इसका एक्सपेक्ट रेशियो जो है वो है 16:9 रेशियो है। ब्राइटनेस है, मतलब कलर ब्राइटनेस, ये 250 CD/m² आता है। इसका डायनेमिक कंट्रैक्ट रेशियो है वो 500,000 है। इसका मतलब जो है इसका कलर है, 500,000 कलर इसमें जो है दिया गया है। आपको पिक्सल पिक जो है 0.3637 दिया गया है। और इसका जो व्यूइंग एंगल है तो 178x178 दिया गया है। इसका व्यू एंगल मतलब 178 डिग्री से जो है 180 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा जो है कम है, बट आपका जो है एंगल बहुत ही अच्छा है, आप साइड व्यू इसको ले सकते हैं। और इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो है 8 मिनट पर सेकेंड, ठीक है। आप इसको ऑन करेंगे 8 सेकेंड में ही, ये जो मिली सेकेंड है उसके अंदर ये जो है आपको रेस्पॉन्स देगा। और इसका जो इनपुट तो आपको मैंने बता चुका हूँ, HDMI एंड VGA है। पावर कंजप्शन जो है 50 वाट्स ये जो है पावर कंजप्शन करता है। प्रोडक्ट डायमेंशन जो आपको बोलूंगा तो 71.5 जो है 0.8 एंड जो है 51.5 सेंटीमीटर है। और अगर इसका जो है
मिनिमम वेट के बारे में बात करूंगा तो ये 5 kg का अंदर आता है, 5 kg तो अल्ट्रा स्लिम है, स्लिम है, बहुत ही स्लिम है। बेसिकली क्या होता है ना, आप जितना बड़ा सिस्टम लेते हो तो वो थोड़ा थिक आता है, तो ये बहुत ही थिन है, इसको यूज करने में बहुत ही इजी रहेगा। तो ये था कुछ स्पेसिफिकेशन। तो फ्रेंड्स अगर और कुछ डाउट रह गया हो तो आप जरूर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पूरा आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा और जरूर आपको रीच आउट करूंगा। और अभी भी बिग बिलियन में चल रहा है, मतलब अभी भी स्टिल आपके पास टाइम है, अगर आपको ये जो मॉनिटर है आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो प्राइस के बारे में अगर बात करेंगे, ये मुझे मिला है 10,999 rupees, 11,000 कार्ड है तो आप इसको जो है इंस्टेंट जो है 5,000 तक आप इसको जो है डिस्काउंट ले सकते हैं, और अगर आपके पास EMI का फैसिलिटी है तो आप इसको भी 2000 तक आपको जो है इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा EMI पे, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन है तो उसका भी लाभ आप उसको उठा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स था, मैंने आपको नोट करके बता दिया है, आई होप वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा नोट मैं आपके सबके लिए बताना चाहूंगा, अगर आप कुछ भी चीज ऑनलाइन से खरीदते हो ना, तो जब आपको डिलीवरी होता है, डिलीवरी पर्सन आपको डिलीवरी करता है ना, तो आप उसके सामने ही प्रोडक्ट को ओपन कीजिए और उसको टेस्ट कीजिए, फिर आपको जो है उसको आप पैसा दीजिए या फिर आप उसको जो OTP शेयर कीजिए, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत ही फेक आता है, ये फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न का कोई भी गलती नहीं है, जो लोग इसको सेल करते हैं उनका गलती रहता है, वो फेक दे देते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए देखिए, आप अभी हम हमारा जो स्क्रीन के साइड पे एक वीडियो प्ले हो रहा होगा, मैंने जब इसको रिसीव किया वो भाई साहब ने मुझे ओपन करके दिया, अनबॉक्स करके दिया, तो ऐसा ही मैंने अनबॉक्स करके पूरा चेक किया फिर उनको जाने दिया। तो ये था एक छोटा सा नोट, आई होप इसको आप कंसिडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।